नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार के पूर्व चंपारण से लोकसभा सांसद राधा मोहन सिंह को राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। इसके अलावा 3 सह चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिसमें विनोद सोनकर, हंसराज अहिर और सीटी रवि को सह चुनाव अधिकारी बनाया गया है। ये चुनाव अधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करवाएंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश समेत देश के 6 राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए हैं। यूपी के राज्यपाल राम नाईक की जगह अब आनंदीबेन पटेल को प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि बिहार के राज्यपाल अब फागू चौहान होंगे। ये सभी नियुक्तियाँ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की है। मोदी सरकार ने दिल्ली में सभी मदर डेयरी की दुकानों पर टमाटर 40 रुपए प्रति किलो बेचने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने ये फैसला टमाटर की लगातार बढ़ती कीमत को लेकर किया है। साथ ही बाजार में टमाटर की सप्लाई बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। फिलहाल मदर डेयरी पर टमाटर 60 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहे हैं। आज भारतीय सेना ने तीसरी पीढ़ी के टैंक रोधी मिसाइल नाग का पोखरण फायरिंग रेंज में सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही इसके सेना में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परीक्षण सफल होने पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा मूल्यांकन दलों को मुबारकबाद दी है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र नरसंहार में 10 लोगों की मौत के बाद मामले ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सोनभद्र नरसंहार पीड़ितों से मिलना चाहती थी, लेकिन उन्हें मिर्जापुर पुलिस ने रोक लिया और उन्हें चुनार गेस्ट हाउस में ठहराया, जिसके बाद प्रशासन ने 24 घंटे बाद प्रियंका को सोनभद्र घटना के पीड़ितों से मिलवाया। पीड़ित परिवार की महिलाओं ने प्रियंका को देखते ही रोना शुरू कर दिया। इस दौरान प्रियंका भावुक हो गई थी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सोनभद्र हत्याकांड मामले में बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दोषियों की हमदर्द है। सोनभद्र में बीजेपी सरकार ने दोषियों के साथ मिलकर आदिवासी किसानों के खिलाफ साजिश रची और उनकी जमीन पर कब्जा करवाना चाहती थी। उत्तर प्रदेश के रामपुर से सांसद आजम खान ने मॉब लिंचिंग की आलोचना करते हुए कहा कि 1947 में देश को आज़ादी मिली, लेकिन मुसलमान 1947 के बाद भी सजा काट रहे हैं। मुसलमान कमजोर हैं, इसलिए आज़ादी के बाद से काफ़ी जिल्लत की जिंदगी गुजारी है। अगर मुसलमान पाकिस्तान चले जाते तो उन्हें यह सजा नहीं मिलती। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ पर विवादित बयान देने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बीजेपी ने कहा है कि पूर्व विधायक को कमलनाथ पर दिए विवादित बयान पर 15 दिनों के अंदर सफाई देनी होगी। आपको बता दें कि सुरेंद्र नाथ सिंह ने सीएम कमलनाथ का खून बहाने की बात कही थी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि सिद्धू का लंबे समय से मुख्यमंत्री अमरिंदर से मतभेद चल रहा था और हाल ही में मंत्रिमंडल के पुनर्गठन में उनका विभाग बदल दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने पहले पार्टी नेता राहुल गांधी को और फिर अमरिंदर सिंह को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। NIA ने आज एक बार फिर भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों की कोशिशों को नाकाम किया है। NIA की टीम ने तमिलनाडु के मदुरे, थैनी, नेलाई समेत कई इलाकों में छापेमारी की और 16 लोगों को गिरफ्तार किया। NIA ने इनके खिलाफ अंसारुल्ला नाम के आतंकी संगठन बनाकर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने का केस दर्ज किया है। बिहार और असम में बाढ़ और बारिश की वजह से मरने वालों की संख्या 150 तक पहुंच गई है, तो वहीं अब तक इससे 1,15,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान जारी करके मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और परिजनों को 4,00,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के रहने वाले ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने पुरुषों की राइफल थ्री पोजीशन में स्वर्ण पदक जीता है। जूनियर विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए ऐश्वर्य चैंपियनशिप के सातवें और अंतिम दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट में भारत ने अभी तक 10 स्वर्ण, 9 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक जीते हैं। अमेरिकी पॉप सिंगर निक जोन्स ने प्रियंका चोपड़ा के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी का आयोजन किया। इसी महीने की 18 तारीख को प्रियंका ने अपना 37वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया था। अब प्रियंका की बर्थडे पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज इंडिया।